पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अजीमुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि कोरोना की वबा आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है, अगर इसमें तेजी आ गई तो सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। हुकूमती टीम्स ने सरकारी अस्पतालों के नुमाइंदों के अलावा डॉक्टरों की नुमाइंदगी को नज़रअंदाज किया गया। मजीद तफसीलात इकबाल सवाती की रिपोर्ट में। कराची में क्विक न्यूज से बात करते हुए पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के सदर अजीमुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को तहफ्फुज फराहम नहीं किया जा रहा। गवर्नमेंट से हमारा मतालबा यही है, आम आवाम के लिए तो इस पे लॉकडाउन पे सख्ती से अमल दरामद किया जाए, मास्क की पाबंदी कराई जाए, और दूसरा ये है कि ज़ाहिर है डॉक्टर्स के हवाले से ये है कि डॉक्टर्स की जो उनकी डिमांड है, यानी कोई ऐसी बड़ी डिमांड नहीं है कि उनके जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो और उनको सेफ प्रैक्टिस की गाइडलाइंस फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि सिंध भर में 148 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना से मुतासर हुआ है, फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों को तहफ्फुज फराहम नहीं किया गया तो मौलिक मर्ज के खिलाफ जंग कैसे जीतेंगे। हमारे मुतालबा गवर्नमेंट से ये नंबर एक अभी तक जो उनकी टीम है इसमें पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स का और कोई भी नुमाइंदा तंजीमों का जो है ना रिप्रेजेंटेशन नहीं है, PMA, YDA इनके कोई नुमाइंदे उनकी एडवाइजरी टीम में शामिल नहीं है, तो उनको इन्वॉल्व किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना की वबा अगर तेजी से फैलना शुरू हो गई तो सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। उन्होंने कोरोना के खिलाफ सिंध हुकूमत की काविशों को सराहा और ताजर और उल्मा कराम से हुकूमत के साथ तावुन करने की अपील भी की। हर खबर से अपडेट रहने के लिए खबर सियासी या मुल्क के बहरान की या हो आपके मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़। सब्सक्राइब कीजिए पाकिस्तान के सबसे बड़े वेब टीवी क्विक न्यूज़ को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।